Gulab Study Classes. हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का गुलाब स्टडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समांतर माध्य देखेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है पांच अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए, जिसमें शहर दिया है ए बी सी डी ई दिया है, और जिसका चावल का दाम दिया है ए शहर में 25 रुपया, बी शहर में 28 रुपया, और सी शहर में 30 रुपया, और डी शहर में 31 रुपया दिया है, और ई शहर में 32 रुपया। तो इन चावल का जो अलग अलग दाम है उसका औसत निकालना है। तो हम लोग जानते हैं औसत का जो फार्मूला होता है वो इन कुल आंकड़ों का योग किया जाता है और आंकड़ों की कुल संख्या का भाग दिया जाता है। तो औसत होगा औसत इक्वल टू आंकड़ों की कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। कुल संख्या, ठीक है फ्रेंड्स, ये औसत का फार्मूला है। अब इसी औसत के फार्मूले में रखना है, इन आंकड़ों का योग करना है। 25 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 32, ठीक है। अब इसके पश्चात इसमें भाग देना है आंकड़ों की संख्या का। तो कुल आंकड़ा 5 है तो 5 से डिवाइड कर देना है। अब इन आंकड़ों को जोड़ने पर यह आ जाएगा 146, 146 बटे 5। अब 146 में 5 का भाग देने पर यह आ जाएगा 29.2, अर्थात चावल के दाम का औसत मिल जाएगा 29.2 रुपया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस पाठ्यक्रम का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, 8 विद्यार्थियों का भार इस प्रकार दिया गया है 30, 32, 33, 38, 37, 41, 35 और 40। ये सब विद्यार्थियों का भार दिया गया है, तो विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला जानते हैं, औसत जो होता है वो आंकड़ों का कुल योग किया जाता है और आंकड़ों की संख्या से भाग दिया जाता है। तो कुल आंकड़े जो है उनको मैं जोड़ देता हूँ, 30 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 38 प्लस हो जाएगा 37 प्लस 41 प्लस 35 प्लस 40, ठीक है। इन सभी आंकड़ों को जोड़ दिया हूँ और इसमें भाग दूंगा, आंकड़ों की कुल संख्या कितना है गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब इसको 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब इनको जोड़ने पर ये आ जाएगा 286 बटे 8। अब 286 को 8 से डिवाइड करने पर ये आ जाता है 35.75 केजी, 35.75 केजी मतलब किलोग्राम में आ जाएगा, ठीक है। यही इन आठों विद्यार्थियों का औसत भार है, ठीक है। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, औसत का ही है। प्रश्न 3 बोलता है, लगातार 5 वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। तो इसमें विद्यार्थी की संख्या है 1150 है, और दिया है 1250 दिया है, 1360 दिया है, 1275 दिया है, 1310, ये विद्यार्थियों की संख्या है। इन 5 वर्षों में औसतन कितने विद्यार्थी थे।
तो औसत निकालना है औसत। हम जानते हैं औसत कैसे निकालते हैं, इन सभी आंकड़ों को जोड़ा जाता है और कुल आंकड़ों की संख्या का भाग देते हैं। तो इन आंकड़ों को जोड़ देते हैं, ठीक है, इन आंकड़ों को जोड़ दिए हैं और इन आंकड़ों की जो कुल संख्या है उससे इसको डिवाइड किया जाता है। तो इसमें कुल संख्या है 5, तो 5 से भाग दे देंगे। अब इनको जोड़ने पर ये आ जाता है 6345, 6345 बटे 5। अब 6345 का डिवाइड 5 से करेंगे तो यह आ जाता है 1269। यही 1269 जो 69 है, 5 वर्षों में स्कूल में औसतन 1269 विद्यार्थी थे, ठीक है, यही औसत मिल गया। 5 वर्षों में औसतन कितने विद्यार्थी थे, तो 1269 विद्यार्थी थे।